नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट पे। और अभी की एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, ये न्यूज सीधा चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर है। ना सिर्फ इंडिया को लेकर बल्कि ये एक ऐसा न्यूज है जिससे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है। खासकर अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स को लेकर, तो हमें पता है कि पिछले कुछ टाइम से उसकी हालत सही नहीं चल रही है। और ये जो न्यूज है उससे ये साबित हो जाएगा कि भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी मुश्किलें आने वाले टाइम में वो कम होती नहीं दिख रही है। ना सिर्फ दोस्तों इतना ही, बल्कि इससे ये भी पता चलता है चाइना और पाकिस्तान लगातार भारत को काउंटर करने के लिए दो तरफा नीति चल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को आने वाले टाइम में काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखो, प्लीज दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब करते हो। 80% ज्यादा लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात ये हो रही है कि पाकिस्तान को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा हथियार। पाकिस्तान को एक ऐसी ताकत मिलने वाली है जिससे चाइना को, और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि और भी कंट्रीज जो है भारत के जो विरोध करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। स्पेशली अगर बात करें ये चाइना और पाकिस्तान के रिगार्डिंग, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चाइना को कैसे फायदा होगा? चाइना को मिलेगा बहुत सारा पैसा और पाकिस्तान को मिलेगा वो बहुत बड़ा हथियार। तो दोस्तों वो हथियार है एक आर्म ड्रोन। चाइना अपना विंग लॉन्ग 2 ड्रोन पाकिस्तान को दे रहा है, और वो भी ना सिर्फ एक या दो बल्कि 50 ड्रोन दे रहा है। लेकिन तो इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि मिसाइल फायर कर सकता है, यानी कि ये एक आर्म ड्रोन है। और भारत की दिक्कत यही है, भारत को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि ये एक आर्म ड्रोन है और इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है हमारे एयरफोर्स को। इससे इतनी दिक्कत की बात इस वजह से है दोस्तों क्योंकि भारत के पास अभी कोई भी ऐसा खुद का आर्म ड्रोन नहीं है। हमारे पास रुस्तम 2 तो है, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि पूरी तरह ये सिर्फ सर्विलेंस के लिए बनाया गया था, अटैकिंग पर्पस से नहीं बनाया गया था। चाइना के पास विंग लॉन्ग 2 जैसा एक काफी अत्याधुनिक प्लेन है, एक अत्याधुनिक ड्रोन है जिससे ये किसी को भी मार के गिरा सकता है। दोस्तों जब अभी हमने देखा होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ड्रोन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिससे एक काफी बड़ा माइलस्टोन मिला था। और तुर्की इसको साबित कर चुका है कि उसके ड्रोन्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं, उसकी ड्रोन्स की वजह से कितना ज्यादा लड़ाई में एक फर्क बैठा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। और दोस्तों यही अब होने वाला है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में। पाकिस्तान बहुत सारे ड्रोन खरीद रहा है क्योंकि उसने देखा कि उस वॉर में ड्रोन ने इतना कुछ किया, तो इस वॉर में क्या कर सकता है। दोस्तों यही पे भारत की मुश्किलें पड़ सकती है क्योंकि भारत के पास ड्रोन नहीं है अभी ऐसा, और ना ही ड्रोन को बनाने की अभी क्षमता है क्योंकि हम धीरे धीरे अभी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास भी यही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऐसा सप्लायर है जो कि उसको काफी सारे आर्म ड्रोन सप्लाई कर रहा है। दोस्तों भारत की मुश्किलें आने वाले टाइम में पड़ने वाली हैं, भारत एयरफोर्स की मुश्किलें पड़ने वाली हैं। दोस्तों तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।